नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। फ्रेंड, आज मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूं जो बहुत सारे बंदों का है कि जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितना टाइम पीरियड लग जाता है हमको सिप पे ज्वाइन करने में। तो आज का टॉपिक यही है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जीपी रेटिंग कोर्स 6 मंथ का होता है। पहले क्या रूल था, 2018 के पहले ये रूल था कि बंदे जीपी रेटिंग कोर्स जब पूरा कंप्लीट कर लेते थे 6 मंथ का, तभी वो इंडियन सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते थे। मतलब 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट हुआ, 6 मंथ हो प्लस आप, तो उसके बाद आप सीडीसी के लिए अप्लाई करेंगे। 1.5 से 2 महीने उसमें लगता था, प्लस आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए 1.5 महीने, पूरा मिला के 3 से 4 महीने आपका लग जाता था। लेकिन अभी क्या रूल है कि आप कोर्स में एडमिशन लिए, आपका जैसे ही STCW कोर्स पूरा होता है, आप CDC के लिए अप्लाई कर सकते हो। हो सकता है आपको जीपी रेटिंग कोर्स के ड्यूरेशन में CDC आपके मिल जाए, या फिर जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट होने के 1 से 1.5 महीने बाद आपको आपकी CDC मिल जाती है। उसी बीच में, उसी ड्यूरेशन में आपको आपका सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो अभी आपका CDC और आपका डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। तो ज्वाइनिंग के लिए जो टाइम पीरियड है, मैं आपको बता दूँ, कम से कम 2 महीने आप CDC और डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड, कोई भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग के लिए तभी बुलाएगी जब उसको रिक्वायरमेंट रहता है। मतलब कि जब उस कंपनी में वैकेंसी रहेगा तभी वो आपको वहाँ पे बुलाएगी। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में, आपका जॉब है पहले से, स्पॉन्सरशिप आपके पास है पहले से ही, तो वो कंपनी आपको तभी वहाँ पे बुलाएगी जब वहाँ पे वैकेंसी आता है। अब उसमें कितना टाइम पीरियड लग सकता है ये फ्रेंड कोई नहीं बता सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी में कितने बंदे लाइनअप में हैं। जैसे ही आपका वेटिंग पीरियड क्लियर होगा, कंपनी आपको तुरंत बुला लेगी। किसी किसी कंपनी में महीने भर का वेट होता है, किसी में 2 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, किसी में 3 महीने का होता है, 4 महीने का, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट मिनिमम वेटिंग पीरियड, मिनिमम मैं आपको बता दूं तो 1 से 2 महीने का होता है, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ फ्रेंड थे जो 2019 में मेरे साथ जीपी रेटिंग कोर्स किए, तो उनका वेटिंग पीरियड किसी का 3 महीने था, किसी का 4 महीने था, किसी का 1.5 ईयर तक वेटिंग पीरियड गया था। तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी आपको कितनी जल्दी बुलाती है। चलिए अगर मान ले कि आपका सारा काम टाइम पे हो रहा है, जैसे कि आपका CDC आपको मिल गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया और आपका US वीज़ा भी क्लियर हो गया, मेडिकल भी आपका क्लियर हो गया, तब भी कंपनी आपको तभी बुलाएगी जब उसके पास रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके पास वैकेंसी रहेगा, तभी वो आपको बुलाएगी, तभी आप शिफ्ट पे ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड, ये मैंने जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताया है, जो वेटिंग पीरियड है कि 3 से 4 महीने या 1 से 2 महीने, या वो बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वेटिंग पीरियड वहाँ पे कितना है बंदों का। ये फ्रेंड मैंने बताया उन बंदों के लिए जो जीपी रेटिंग करने के बाद ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप पा चुके हैं या कैंपस प्लेसमेंट में उनकी जॉब लग चुकी है। मतलब वो स्पॉन्सरशिप उनको मिल चुका है, या उनका जॉब पहले से ही है, या किसी कंपनी में किसी रेफरेंस के थ्रू उनका जॉब सिक्योर है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो बंदे जीपी रेटिंग कोर्स कर लिए हैं, उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उनका कोई रेफरेंस नहीं है, उन बंदों के लिए कितना वेटिंग पीरियड जाएगा ये तो कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता। बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे आप दो महीने जोड़ लो अपना डॉक्यूमेंट क्लियर होने का, उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है तो आप खुद से जॉब को ढूंढने के लिए निकलोगे या एजेंट को पकड़ोगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप किसी एजेंट के चक्कर में तो मत ही पड़ो, आप मुंबई आ जाओ। मुंबई में कंपनी टू कंपनी पर डे विजिट करो, वहाँ पे पता करो कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे अपना रिज्यूमे रोज सबमिट करो। पर डे 2-4 कंपनी में पर डे विजिट करो। अगर आपका लक सही रहा तो आपका हो सकता है कि 1.5 महीने 2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाए। अगर आप विजिट करते जा रहे हैं कंपनी टू कंपनी, किसी कंपनी में वैकेंसी है तो हो जाएगा, अगर वैकेंसी नहीं है तो मतलब आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। बट एक अंदाजन में टाइम बता दूं तो आपका मैक्सिमम आप 4 से 6 महीने पकड़ लो, अगर आप खुद से कंपनी ढूंढने के लिए निकल रहे हो
तो आप 4 से 6 महीने पकड़ लो, इतना टाइम तो आपको लग जाना है। ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा बिल्कुल आप लोग निराश मत होना, आप ट्राई करते जाओ, कंपनी टू कंपनी पर डे विजिट करो। बहुत सारी कंपनियाँ मुंबई में है, वैकेंसी मिलेगा आपको, एक दिन आपकी भी जॉब शिप पे हो जाएगी। अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ते हो तो वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा आप एजेंट के चक्कर में ना पड़ो, आप छोटे से ही शुरुआत करो, आपको बड़ा एक दिन मिलेगा सिर्फ। बट अभी आप एजेंट के चक्कर में तो ना ही पड़ो, आप खुद से कंपनी में जाओ, खुद से ट्राई करके खुद से ज्वाइन करो, आपके लिए बेहतर होगा। फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा TS रहमान के बारे में, TS रहमान कॉलेज का GP रेटिंग एडमिशन के बारे में, और उसका स्पॉन्सरशिप किन किन बंदों को मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है स्पॉन्सरशिप के लिए, ये सब टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो फ्रेंड। जय हिंद।